ये तंदूरी चिकन है जी, ये काटा जा रहा है इस वक्त इसको। ये क्या डाल रहे हैं जी इसके अंदर? ये मलेशियन रेसिपी है। अच्छा। मलेशिया की रेसिपी है, 26 मसालों से तैयार करता है और लाल मिर्च इसके अंदर नहीं है। अच्छा, रेड मिर्च नहीं है। ये जो आपने ये लाल लाल डाला है ये क्या है? ये फूड कलर है और ये भी अच्छा वाला इम्पोर्टेड फूड कलर है। सही। ये बेसिकली हमारे ये पीस लगे हुए ऐसे फुल पीस होता है कस्टमर को दिखाने के लिए, 350 ग्राम का पीस है। वो सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, फिर ऐसे काट के और मैरिनेट करते हैं। सही। साथ उन्होंने बटर नान है, गार्लिक नान है, चीज नान है, जो नान उन्होंने चूज किए वो नान उनको मिल जाएंगे। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपने रखे हुए, ये सब इसमें डालते हैं आप? ये सब यूज होते हैं। अच्छा, फ्रेंड्स ये तंदूरी चिकन तैयार हो रहा है और इसके बाद ये इसके बाद तंदूर में जाएगा, वो हम आपको दिखाते हैं। और ये काफ़ी मज़ेदार और लजीज रेसिपी लग रही है और बिल्कुल डिफरेंट है। एक पीस और लगा लो। एक और है ये मसाला लगा के कितनी देर तक आप इसको रखते हैं जी? ये सब डिपेंड करता है कस्टमर, कुछ कस्टमर है वो कहते हैं कि 2 दिन पुराना हमें खिला दो। अच्छा। क्योंकि जितना ये पुराना होता जाता है उतना टेस्टी होता जाता है। सही। बाकी ये वाला जो है ये 1 दिन का ही है, आज का ही है, सुबह उसको हमने लगाया, मैरिनेट किया और सेकेंड टाइम में ये आपके सामने ने। फ्रेंड्स ये जा रहा है तंदूर में पकने के लिए, ये तंदूरी चिकन, ये आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये सूर्य तंदूर में है। स्टीम पे रख देते हैं बेसिकली, ये फ्लेम पे नहीं है, ये इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं, स्टीम पे हो जाता है। स्टीम पे तैयार होता है ये। स्टीम पे तैयार। और ये कितना टाइम लगता है इसको तैयारी में? ये टोटल 20 मिनट। 20 मिनट इसको तैयारी में लगते हैं आपके? नान समेत दोनों चीजें हम गर्म देते हैं, नान भी फ्रेश होता है और प्लस ये चिकन भी फ्रेश होता है। ठीक। ये कौन सा नान तैयार कर रहे हैं जी आप? सर बटर नान है, बेसिकली ये बटर जो इसके अंदर मैरिनेट किया होता है हमने। अच्छा। बटर होता है, कंडेंस मिल्क होता है, एग होते हैं, योगर्ट होता है, ड्राई मिल्क होता है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है हमारी, तो काफ़ी अच्छा इसका जो है टेस्ट है, रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा गार्लिक है, गार्लिक नान होता है, ये गार्लिक पड़ा हुआ पेस्ट सामने बनी हुई है, ओरिजिनल गार्लिक होता है। इसी तरह चीज़ है, चीज़ भी सामने पड़ी है, चीज़ नान होता है, गार्लिक नान होता है, नुटेला नान होता है, ये नुटेला नान भी हम ओरिजिनल चीज़ें यूज करते हैं। अच्छी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं अपने इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से तो तमाम तो अच्छे अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये क्या चीज लगा रहे हैं जी आप? ये सर इसको मजीद सॉफ्ट करने के लिए होता है, ग्लूकोज होता है, मजीद इसको अच्छा करने के लिए, शाइन के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये ग्लूकोज होता है। और ये तिल लगा रहे हैं साथ ये में? तिल लग रहे हैं साथ। बटर जो है वो इसके बीच में, वो खाने से ही पता लगेगा कि हाँ भाई
आपने ऑलरेडी इसके अंदर बटर मैरिनेट करके तो आपने डाला होगा, मैरिनेट हुआ होता है, ये कंडेंस मिल्क होता है, ये मिल्क होता है इसके अंदर। जी जी, ये मोस्ट एक्सपेंसिव 2000 का पर केजी होता है ये। सही, ये कौन सा नान है जी? गार्लिक नान है जी ये सर। ये गार्लिक फ्रेश गार्लिक है, कोई पाउडर वगैरह नहीं, कोई चीज नहीं, गार्लिक है, प्योर गार्लिक। बहुत से फायदे हैं इसके खाने के, सबसे बढ़ के बीपी कंट्रोल होता है, हार्ट पेशेंट जो है वो बड़े शौक से खाते हैं इसे। आटा हमारा वही है बटर नान वाला, उसके ऊपर ये लगा। सही, भैया आप इसको कब से रन कर रहे हैं इस अपना? सर बेसिकली अभी हम लेके ही आए हैं, कुछ चंद माह हुए। ये मलेशियन रेसिपी है, खुद वहाँ पे मैं काम करता था मलेशिया में, तो वहीं से ये प्रॉपर सीख के काम, फिर मैंने इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया है। आप मलेशिया कितनी देर आप काम करते हैं? 8 साल तकरीबन। 8 साल वहाँ पे कुकिंग करते थे आप? यही काम था, सेम यही काम वहाँ पे मैं करता था। अच्छा, तो टेस्ट अच्छा था, लाहौरियों की मतलब चाहत के मुताबिक था, तो ये वहाँ से पिक किया मैंने, यहाँ लाया हूँ और टोटली मैंने बिल्कुल वैसा ही सेम, बल्कि मजीद इसको इम्प्रूव किया आपने इसको बेहतर करके, और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मैंने खुद से ऐड की हैं, और रेसिपी भी मेरी अपनी है, रेसिपी भी मेरी अपनी है। इसके अंदर 26 मसाला जाते हैं और सारे हाजमेदार। कलर जो है इसका रेड है, लेकिन रेड चिली नहीं है इसके अंदर, लाल मिर्च बिल्कुल भी, इतनी सी लाल मिर्च नहीं है। जिंजर है, गार्लिक है, ये चीज़ें हाजमेदार चीज़ें हैं, वो सभी इसके अंदर है। और गार्लिक नान होता है, चीज़ नान होता है, मुख्तलिफ नान के साथ इसको हम प्रोवाइड करते हैं। चलें टेस्ट करते हैं आपका, देखते हैं कि कैसा है, फिर इंशाल्लाह जोन सा इसके मुताबिक जोन सा अपने व्यूवर्स को जोन सा हम जोन सा कमेंट भी करेंगे कि आपका कैसा है टेस्ट। ये इसके पीछे पानी लगाते हैं जी आप? ये जब लगाने से पहले आप पानी ही होता है, पीछे पानी होता है, आगे कुछ टिप्स होती है और चीजें होती है। फ्रेंड्स ये गर्मा गर्म नान बाहर आ गया तंदूर से, और अभी तंदूरी चिकन रेडी हो रहा है, इसके ऊपर अभी ये ऑयलिंग करने लगे हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है टेस्ट में, खा के चेक करते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है, फिर आपको इसके बारे में भी बताएंगे। पीज़ा पीज़ा जो आपने दिए साथ में ये रायता है, और ये साथ में क्या है? ये सर इमली आलू बुखारे की चटनी, इमली आलू बुखारे की चटनी है, साथ सैलेड है, ये पूरा प्लेटर बन जाता है। ठीक हो, बहुत शुक्रिया।
फ्रेंड्स मेरा इस वक्त ये तंदूरी चिकन और तंदूरी नान साथ में गार्लिक नान जो उनसे है रेडी होके आ गया, टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका कैसा टेस्ट है। तो हमारे साथ रहिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए। बहुत यूनिक टेस्ट है, बिल्कुल डिफरेंट और बहुत मज़ेदार। मैंने ऐसा टेस्ट इतना मज़ेदार अब कभी ऐसी चीज़ नहीं खाई है। ये फर्स्ट टाइम मैं लाहौर में इतने मज़ेदार तंदूरी चिकन खा रहा हूँ, गार्लिक नान खा रहा हूँ और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है। आप यहाँ पे आएँ, विज़िट करें और यहाँ पर खाएँ, आपको पता चलेगा। और वापस आकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, इसका टेस्ट कैसा लगा। तो यहाँ पे आएँ, इस वक्त ये हम हैं फैसल टाउन में, फैसल टाउन मार्केट में हैं, यहाँ पे हम आपको लेके आए हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है और बिल्कुल यूनिक चीज़ है। इनकी स्पेशली ये जो आलू बुखारे वाली चटनी है ना, ये खुरमानी और इमली की चटनी, ये बहुत मज़ेदार है। जी अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप भैया? आप ये क्या खा रहे हैं, तंदूरी चिकन खा रहे हैं? जी मैंने न्यू डिश मुतारिफ कराई है। अच्छा, चिकन के नाम। कैसा टेस्ट है इसका? बहुत डिफरेंट किस्म का, एक जैसे ट्रेडिशनल टिक्का हमारा बनता है जो कोयलों पे टिक्का बनाया जाता है, जी जी, घर में रोस्ट किया जाता है, ये उससे बिल्कुल एक डिफरेंट है। और ये तंदूर में बनाते हैं इसको और काफ़ी स्पाइसी है। अच्छा, लेकिन ये उस टाइप का स्पाइसी नहीं है जो आपके स्टमक को हर्ट करे। हम खुद डॉक्टर्स हैं, अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के। अच्छा माशाल्लाह, आप डॉक्टर्स हैं। हम लोग आते हैं यहाँ पे रेगुलरली, खाना खाते हैं और जिस टाइप का इसमें स्पाइस है और नान होते हैं इसके साथ, चीज़ वाला नान होता है। अच्छा जबरदस्त, फिलिंग होता है, इनफ होता है। ये तकरीबन 350 ग्राम चिकन यूज करते हैं इसके साथ। हम तो क्योंकि रेगुलर कस्टमर हैं तो हम इनसे पूछते हैं और इनके मुताबिक मलेशियन कोई डिश है ये, और तंदूर में बनाते हैं ये लोग इसको, गैस वाले तंदूर में। बड़ा डिफरेंट टेस्ट है, बड़ा अच्छा है। कहाँ से आप यहाँ पे? पास ही है अपना हॉस्टल में, पास ही हॉस्टल से। हॉस्टल से? अच्छा अच्छा, सही। चलें आप अपनी डिश को एंजॉय कीजिए, इंशाल्लाह जो उनसे हम बाकी व्यूवर्स से अपना पूछते हैं कि उनको कैसा टेस्ट लगा। ये बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू, थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? मैं ठीक ठाक भैया। आप यहाँ पे आए हैं तंदूरी चिकन के लिए, कैसा टेस्ट है इनका यहाँ का? फर्स्ट ऑफ ऑल इनका काफ़ी यूनिक सी डिश है एक तो ये, और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया ऐसी रेसिपी, तो दिस इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड और काफ़ी मज़ेदार है, टेस्टी है और बड़ी हाइजीनिक। सबसे पहली बड़ी बड़ी बात है ये वेल प्रेजेंटेड भी है, वेल प्रेजेंटेड भी है, इट्स अ नाइस थिंग। और सबको मैं कहूँगा, मशवरा दूंगा कि दे डू दे कम और ट्राई करें, इट्स यूनिक। ओके, और आप कहाँ से हैं? मैं तो बाबर टाउन से आया हूँ। बाबर टाउन से? यहाँ काफ़ी दूर है बाबर टाउन, स्पेशली आप इसके लिए आए हैं बाबर टाउन से? बेसिकली मैं यहाँ पे रह चुका हूँ, तो यहाँ पे मुझे वो डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि डिफरेंट तरह की न्यू चीज़ें आती हैं, ट्राई करता रहता हूँ। आज मेरी इन पर नज़र पड़ी, मैंने कहा यार कि फिजिकली मतलब अपीयरेंस वाइज बड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, मैंने कहा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, और डेफिनेटली जिस तरह की लग रही है वैसी ही इसका टेस्ट भी है। टेस्ट भी आपने खाया, आपको अच्छा लगा? आपको बिल्कुल बहुत अच्छी है, और आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू कम हियर एंड यू नो गिव इट अ ट्राई। थैंक यू वेरी मच ब्रो, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।